इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राची ने प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर कैसे तलाशे जाते हैं, यह सिर्फ बीजेपी से ही सीखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा समेत पूरे देश में कोरोना की महामारी 1.25 साल पहले आई थी, इसके बाद सरकार के पास काफी समय भी था, लेकिन सरकार ने इस दौरान लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए, जिसका परिणाम ये निकला कि जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई तो मरीजों को वेंटिलेटर और बेड मिलना तो दूर की बात, उन्हें दवाइयां और ऑक्सीजन तक सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई। दरअसल राठी झज्जर के इनेलो कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान राठी ने हरियाणा की सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गलत नीतियों और सरकार में फैले भ्रष्टाचार की वजह से हरियाणा में जहाँ बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है, वहीं क्राइम की समस्या भी खड़ी होती जा रही है। हमारा जो हरियाणा का आंकड़ा है वो देश में पहले नंबर पर है बेरोजगारी के हिसाब से। हालत ये है कि हमारा नौजवान बिल्कुल हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, उदास हो चुका है। सरकार जो कहती वो करती नहीं है। कितने नौजवान बच्चों की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, आज तक लगभग 40 साल हो गए हमारी राजनीति हमने करते, 40 साल में हमने कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा। कोरोना की दूसरी लहर से राहत मिलती नजर आ रही है, लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को लेकर कांग्रेस पार्टी भी कोरोना से जंग में मैदान में उतरी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने सिविल अस्पताल को 10 ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर दिए हैं। रादौर से कांग्रेस विधायक बीएल सैनी ने बताया है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में कांग्रेस ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर दे रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर जब खत्म हो जाता है ऐसी अवस्था में कंसल्ट्रेटर काम आएंगे। यमुनानगर में 7 सीएससी सेंटर हैं, जिनमें से 5 सीएससी छोटे हैं जिन्हें एक एक ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर दिया गया है। वहीं यमुनानगर जगाधरी में भी जरूरत के हिसाब से ही 2-2 ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर दिए गए हैं। जाहिर है मरीजों के लिए और अस्पताल के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ऑक्सीजन की मारामारी जिस तरह से पिछले कई दिनों से हो गई, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर अहम रोल निभाया वो ऑक्सीजन कंसल्ट्रेटर नहीं, जिन जिन अस्पतालों के पास ये पहुँचे वहाँ पर बड़ी संख्या में मरीजों की जान भी बचाई गई। कंसंट्रेटर अपनी तरफ से उन्होंने प्रोवाइड किए हैं और उसी कड़ी में 10 कंसंट्रेटर जो हैं यहाँ जिला यमुनानगर के लिए आए हैं और मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई, अपने साथियों को बुला करके बिना कोई पार्टी वाइज देखते हुए सबको बुला करके जो हमारे सीएमओ साहब हैं यहाँ जी उनको देने के लिए बोला था। हमारे सीएचसी हैं, हर एक सीएचसी में एक एक, लेकिन बड़े में 2। और कबड्डी में अपना नाम कमाने वाला गांव समाजसर का राजेंद्र सिंह जिंदा एक एक्सीडेंट में हादसे का शिकार हो गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के जो 25 साल बिताए वो बताना इतना आसान नहीं था उनके लिए। इसी बीच राजेंद्र ने कैंसर जैसी भयानक बीमारी के साथ इतनी जंग लड़ी कि कैंसर को भी मात दे दी, लेकिन बेड पर रहते हुए उन्होंने ये ठान लिया कि वो भीख नहीं मांगेंगे और कोई ऐसा गेम खेलेंगे जिससे उनको पूरा मान सम्मान मिले। दरअसल राजेंद्र सिंह जिंदा ने अपाहिज होते हुए भी पैरा ओलंपिक के 22 गेमों में एक गेम पैरा बोशिया टूर्नामेंट में भाग लिया और 100 खिलाड़ियों में से 4था स्थान हासिल कर पंजाब के साथ साथ जिला मोगा का नाम भी रोशन कर दिया। इस गेम के बारे में पंजाब में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, ना ही सरकार की तरफ से इस गेम के लिए कोई मैदान भी बनाया गया है, लेकिन अब गाँव के खेल प्रेमियों ने इस गेम को कोच और गांव के प्रधान की तरफ से राजेंद्र सिंह के घर पर पिच बना कर दी, जहां वो अब ट्रेनिंग लेंगे, साथ ही अपने ओलंपिक खेलने के सपने को भी पूरा कर सकेंगे। सरपंच ने कहा कि अगर कोई भी अपाहिज बोशिया गेम खेलना चाहता है तो यहां पर वो आ सकता है और उसके रहने खाने पीने का पूरी तरीके से जो प्रबंध है वो गाँव की पंचायत की ओर से किया जाएगा। जिहड़े बिल्कुल व्हीलचेयर ते बाउंड हुंदे ने ओह ये बोशिया गेम खेलते हैं, जिदा अपर लैवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिवें आपां कह दिंदे आम तौर पर स्पाइ रीढ़ की हड्डी टुट गई, तो जिन्हां दी हाई लैवल से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुंदी है ओह ये गेम खेलते हैं। सीपी जिहड़े बच्चे हुंदे ने ओह ये गेम खेलते हैं। इन्हां दी क्लासीफिकेशन दे लई बकायदा एक इंटरनेशनल तो ताइवान कंट्री ताइपाई सिटी तो मैं इंटरनेशनल कोर्स कंप्लीट किया होया,
जिदे बिहाफ से इन्होंने बच्चों की क्लासीफिकेशन इन्होंने प्लेयर की क्लासीफिकेशन करके इन्हों कैटागराइज किया जाता है कि कैटागरी के खेलते हैं। तो यही मेरी आस है कि जोड़ा मैं कोर्स किया भी पूरे इंडिया के पंजाब कोई यहोजा डिसेबल बच्चा ना रहे जो सा गेम तो वाझा रह जाए। सो जिन्या भी मैं ये सिक्ख्या ली है कोचिंग राही वो मैं कोशिश कराँगा हर लैवल से कि जेडे मेरे प्लेयर है उन्होंने आपां इस पंजाब तो लैके जां पूरे इंडिया तो लैके एक वड्डे लैवल ते इंटरनेशनल लैवल ते खिलाइए तां जो अपने पूरे इंडिया दा पंजाब दा नारा हो। सर बस कुदरत दी मेहरबानी दोस्तों दी मेहरबानी फैमिली दा कोई सपोर्ट हैगी है जी बस उन्हां चीज़ां करके अज मैं थोड़े सहयोग नाल इंडिया टीम आ जिहड़ी पैरा बोशिया दी जी उन्हां दा सहयोग आ मेरे नाल जी उन्हां दा इन्ना वड्डा सहयोग आ सर। वाहेगुरु वाहेगुरु उन्हां दे सारे परिवारां नूं जिन्हें साडे कर रहे वर्क कर रहे उन्हां सुख शांति देवे जी। ये बहुत वड्डा काम कर रहे सारी दुनिया लई कर रहे आ जी तुसीं इत्थों तक भी नहीं कह सकते भी इन्हां दे चरण सिफारिश कर लवां मैं थोड़े आ जी। ये साडा छोटे हुंदिया बहुत वधिया खिडारी रहा और कबड्डी च बहुत मल्लां मारियां इंटरनेशनल पद्धर दी गेम कीती पर परमात्मा दी कृपा दे कारण इहदी गेम अधवट्टे रह गई पर जिस मुकाम नूं इहने छोणा सी उस मुकाम ते नहीं पहुँच सकया। कैंसर कहन दे नाम मुराद बीमारी उसने भी घेरा पाया पर डॉक्टर ने एक बार समाल सर डॉक्टर ने रिपोर्टां देखियां डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के थोड़ा जिहा नमोश हो गया तो जिंदे ने यह गल कही कि डॉक्टर साहब मैनू पता कि मैनू कैंसर की बीमारी है पर मैं इहदे नाल भी लड़ांगा और इहनू जित्तांगा। और करनाल के सांबली गांव के रहने वाले एक 33 साल के युवक ने जहर खाने से संदिग्ध मौत हो गई है। अभी खुलासा नहीं हुआ है कि युवक ने जहर खुद खाया है या फिर दवाई के कारण जहर चढ़ने से मौत हुई है। पूछताछ में बताया गया कि युवक FCI विभाग में नौकरी करता था। गंभीर हालत में उसको कल्पना मेडिकल कॉलेज लाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ये पूरा मामला 33 साल का युवक FCI विभाग में नौकरी करता था संदिग्ध मौत युवक की हुई है। फिलहाल इस पर पुलिस जांच भी कर रही है कि आखिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है। बस इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी करा आधा ही ड्यूटी से तो घर आने के बाद तबीयत खराब था। कहाँ का? ये सीता माई का था जी। क्या नाम है? सुखदेव जी। तो घर पे मौत हो गई है? नहीं नहीं इलाज के दौरान ही इलाज के लिए लेकर आए थे। कल्पना चावला में? जी जी। कब की बात है? शाम को लेकर आए थे सुबह आज सुबह 7 बजे इसके आज सुबह क्या कार्रवाई की जा रही है? 171 की आज पोस्टमार्टम होगा। और शाहबाद उपमंडल के बरारा रोड पर एक ट्रक और कैंटर की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों को CSC शाहबाद में भर्ती कराया गया है। वहीं टक्कर की वजह से ट्रक और कैंटर सड़क की साइड में खाई में जा गिरे जिससे दोनों ड्राइवर जख्मी हो गए हैं। एक ट्रक में JCB लोड थी और दूसरा कैंटर खाली था लेकिन हादसा कुरुक्षेत्र में हुआ है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही लेकिन थोड़ी देर में देखना मत भूलिएगा 8:58 पर हमारा खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हमारी सहयोगी शिल्पा तोमर के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट।